मूव हो जाते इस अंदाज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, वहीद जी। वहीद साहब, होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ मैं। किस चीज के डॉक्टर है? होम्योपैथी का। होम्योपैथिक डॉक्टर है? हाँ जी जी। मैं आपका स्टूडेंट हूँ ना, तो ऑनलाइन मैंने अटूनमेंट ली थी आज से लेवल 4 तक। लेवल 4 तक लिए? माशाल्लाह माशाल्लाह जी। लेवल 4 तक ली थी और मैं ये शेयर करना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल, प्लीज शेयर करें, प्लीज डॉक्टर साहब शेयर करें। मेरे पास आते हैं ना ज्यादातर क्रोनिक पेशेंट आते हैं। जी जी। तो उसमें मैंने उन्हें हील की। एक जो आया ना फ्रेश, आजकल जो फैली हुई है मर्ज, ये डेंगू वायरस की। जी जी। का पेशेंट आया बेहोशी की हालत में मेरे पास लाए वो घर में। तो उसे मैंने बैठा के ना, मतलब बाल्टी बाल्टी मार के बैठ के उसे अपने, उसका सर अपने गोद में रखा और उसे हील करना शुरू कर दिया माशाल्लाह। तो अल्लाह के फजल से 10 मिनट के बाद उसका 104 बुखार था, वो बिल्कुल जिस्म ठंडा हो गया। उसने आंखें खोल दी और उठ के बैठ गया। उसे अपने अंदर एनर्जी महसूस हो रही थी। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। ये जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था ना, बहुत अच्छा हुआ जी। मेरे अंदर समदा हीलिंग एनर्जी के ऊपर बहुत एतमाद पैदा हुआ। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। और अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिकली अगर कोई भी इमरजेंसी होती है कोई पेशेंट कोई ऐसा, तो वो वाकई इमरजेंसी में जाने चाहिए ना, और हम साथ साथ ये हीलिंग करते रहें तो बेहतर है, क्योंकि मेडिकल। मैं ये बताना चाहता हूँ। जी जी। मैं शुगर का पेशेंट हूँ और मैं बहुत विटामिन वगैरह लेके, उतनी एनर्जी मेरे अंदर नहीं आती थी रोजमर्रा कामों में, मैं डल रहता था। उसके बाद जब मैं अपने आप को एनर्जाइज करता हूँ ना जी, तो मुझे किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपने अंदर असाफी और जिस्मानी तौर पे अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि मुझे एक ऐसी एनर्जी आपके आपके वसीले से मिली, जिसकी वजह से मेरे अंदर दोबारा जिंदगी की वो तवानाइयां पैदा होना शुरू हो गई। बस मुझे ये खुशी है कि अल्लाह ने आप जैसे स्टूडेंट मुझे दिए है, जो आके मुझसे कुछ सीखे, और मुझे यही सबसे अल्लाह ताला के, ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे में खुद ही एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहे है और एक ताकतें आ रहे, इल्म अल्लाह ताला अता फरमा रहे। तो जो इंसान के कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो, इरादे स्ट्रांग हो, तो जी। और मैं, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि आप लाहौर आए और मैं आपसे अगले लेवल की भी एजुकेशन हासिल करूँ। बिल्कुल। अंदर इस एनर्जी के ऊपर, क्योंकि लोग बातें करते हैं और बेयकीनी की बातें करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो मैंने खुद अप्लाई किया इस सिलसिले में और तजर्बे हुए जी। तो फिर मेरे अंदर बहुत एतमाद पैदा हुआ और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप इस जो डिप्रेशन का माहौल है, जो ये जा रहा असाबी तौर पे, हर बंदा कमजोर है, डल रहता है और बेशुमार विटामिन दूसरी मेडिसिन लेके वो गुजारा करता रहता है, अगर वो इस तरफ आते हैं तो उन्हें इन्हें हर चीज से छुटकारा मिल जाता है। एक तो फाइनेंशियली तौर पे बहुत पैसा जाया होता है मेडिसिन के ऊपर, फिर डिप्रेशन होता है, फिर मेरा मतलब कि अगर वो इस तरफ आए तो बहुत सारे मसाइल उनके वैसे ही हल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत ठीक कह रहे हैं आप, बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आज काफी वो चीज दी है जो पहले कहीं कहीं से भी नहीं मिली मुझे। आपका आज काफी डॉक्टर्स ने ही कॉल किया माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। बहुत मशहूर हूँ मैं, और मेरी ख्वाहिश है जब आप आए लाहौर तो मैं आपसे जरूर। सर आज नहीं, पिछले प्रोग्राम में दोस्तों से भी मैं ज्यादा डॉक्टर ने ये कहूंगा कि वो आप आए इस फील्ड की तरफ। बिल्कुल इंशाल्लाह आएंगे, और हम है ना इंशाल्लाह हम करेंगे, हमारी इरादा है, स्ट्रांग है हमारी, जैसा भी हो
इंशाल्लाह होंगे ये चीजें, लाजमी होंगे, सभी आएंगे, जरूरत है इस चीज की, एक जरूरत भी है और एक इस चीज को हासिल करना। आप देखिए एक पेशेंट आ जाता है, हम उनको मालिक भी बना लेते हैं और इलाज भी हो जाते हैं ना, बड़ी बात है ना। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, और मैं इंतजार करूंगा आपका। यू आर वेलकम इंशाल्लाह। मैं आ रहा हूँ 5 को फिर मिलेंगे इंशाल्लाह लाहौर में जी, और 8 को इस्लामाबाद में। अगर आपके और भी डॉक्टर कुछ दोस्त हैं कुछ साथ ले इंशाल्लाह, और जो भी है इंशाल्लाह आगे लेवल्स भी करेंगे। मैं मशवरा दूंगा जी, और अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई करें। इस तरह के स्टूडेंट्स कॉल करें और स्टूडेंट हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। साथ साथ बात हो रही थी कि नेगेटिविटी की बात हो रही थी कि नेगेटिव ताकतें हम पर क्यों बुरा असर करते हैं। दरहाल क्या हम अशरफुल मखलूकात है, ये छोटी बड़ी चीज़ें हम पर क्यों ऐसा असरात करते हैं, छोटी छोटी बातें हम पर बहुत बुरी असरात करते हैं। अगर कि हम अशरफुल मखलूकात है, हम जानते भी हैं अपने आप को, हर कोई जानता है, बच्चा भी जानता है कि वो अशरफुल मखलूकात है, लेकिन सुलूक हमारे और बर्दाश्त हमारे बिल्कुल अशरफुल मखलूकात वालों की है ही नहीं। छोटी चीज को बर्दाश्त नहीं कर, गर्मी सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, गुस्सा को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और बहुत सी चीजें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारे अशरफुल मखलूकात की क्या भूख प्यास पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? अशरफुल मखलूकात किस बेस पे हैं, हम कैसे हैं? एक कॉल ज्यादा और पे इस पे बात करेंगे दोबारा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के हम अशरफुल मखलूकात हैं। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब जी, कौन बात कर रही है? मैं नाजिया बोल रही हूँ, आपकी स्टूडेंट वाकेंसी से मैंने बात करी। नाजिया डॉक्टर साहब, नाजिया जी, नाजिया माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने कॉल किए, थैंक यू। और क्या कहना चाहती है आज के प्रोग्राम में? मैं कहना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, मैंने अपने बहुत सारे अपने रिश्तेदारों में यही बात बताई है कि समझा ही नहीं सब कुछ है अपनी हाला, मेरी वो बेवा है वो जी, तो उनसे मैंने कहा है कि आप भी सीखे, वो लोग और में आपके पास आएंगे अभी जी जी जी, बहुत अच्छा समझा ही नहीं। अच्छा लाहौर में आएंगे 5 तारीख को, बिल्कुल सही जी, 5 तारीख को। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। आपके अपने तजुर्बात कैसे, आपने समदा हीलिंग एनर्जी को अप्लाई किए? बहुत अच्छे, मैं घर में बच्चे बीमार हो तो उनको हीलिंग दो तो फौरन ठीक हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों को आप देती है? जी अपने बच्चों को, किसी और के बच्चों को नहीं देती है? नहीं डॉक्टर साहब, अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बाहर तो कहीं गई नहीं अभी, तो इंशाल्लाह मैं एसएमएस के बाद ये करूंगी ताकि मैं कहती हूँ। बस आप दम करते रहें, अल्लाह आपको बहुत से खुशियां दे, और अगर आप किसी और को भी थोड़े से हीलिंग दें तो आपकी हीलिंग लेवल और बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं डिस्टेंस हीलिंग भेजती हूँ अपनी अम्मी को लाहौर में। अच्छा, डिस्टेंस हीलिंग भेजती है लाहौर को? जी, वो मेरी अम्मी बीमार है ना, उनसे चला नहीं जाता। अच्छा अच्छा, कराची से आप बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं वाकेंट से। अच्छा अच्छा अच्छा, कराची आप डिस्टेंट अटेंडमेंट लाहौर को भेजती है, बहुत अच्छा। तो किस तरह है रिजल्ट, क्या बता रही है? हाँ, वो काफी बेहतर है, उसको चल लेती है। तो आप डेली एक सेशन देती है कि दिन में दो बार? रोज रात को। रोज रात को दो बार भी? अगर जाहिर है वालदा है, उम्र ज्यादा होंगे, जो लोग थोड़े से उम्र के ज्यादा हो जाते हैं उनमें इतनी प्रॉब्लम्स आ जाता है, एक बीमारी को क्योर करते हुए फिर दूसरी होते, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह के हालात बेचारों के होते हैं, और वो बिल्कुल मासूम हो जाते हैं। जो लोग है, जो इंसान के एज ज्यादा हो जाता है, वो बच्चों जैसे होते हैं ना, वो सेंसिटिव भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। जी डॉक्टर साहब, तो ये हमारा फर्ज है, हम हीलिंग दें, और खसूस माँ को, वालदैन है, बहन भाई है इर्द गिर्द, तो वो सबसे पहले वो जरूरी है। सबसे पहले हमारे सेल्फ सही हो, फिर दूसरों को, फैमिली वाले, फिर अदर्स को। तो आपने बड़ा अच्छा काम स्टार्ट किए, अगर साथ साथ सारी हो रहे होंगे तो और अच्छा। जी डॉक्टर
हाँ जी डॉक्टर साहब, बस मैं चाहती हूँ बैच एम एफ करके मेरी इतनी मजबूती हो जाए कि मैं दूसरों को भी दूँ। बिल्कुल, मेरी बेटी जो सुनती है और बोलती नहीं, उससे मैंने आपसे मिलवाया भी था उधर जी जी में ना, मुझे मैंने सीखा था कि मैंने कहा इसको मैं दूँ ताकि ये सही हो जाए, वो पहले से कुछ बेहतर है। मुझे सही याद नहीं है, लेकिन वैसा मेरे माइंड में है कि ज़रूर मिले होंगे, और क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा होती है और आपको पता है रोज़ाना के 150-200 की क्लास होती है, तो उसमें मुख्तलिफ। इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं 8 को पिंडी आ रहा हूँ, 8 को इंशाल्लाह आप तशरीफ ले आएँ ज़रूर। और बहुत शुक्रिया आपने कॉल किए, आपने हमें व्यूवर्स को आपने आगाह के लिए अपने अपने जो है ना मैसेज आपने उन तक पहुंचाया। इंशाल्लाह मिलेंगे पिंडी में 8 को, और अपने अम्मी को आप लाहौर में 5 तारीख को ज़रूर बुलाएं, ताकि वो प्रैक्टिकली खुद ही वो एनर्जी उनमें आए, वो ताकत उनमें आए, तो खुद ही वो ठीक होंगे इंशाल्लाह। आपको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली डायरेक्टली जब अल्लाह ताला के वो ताकतों के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं समदा हीलिंग एनर्जी के साथ, तो बस वो खुद वजूद में आता है और ऑटोमेटिकली हमारे निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिश होती है। बात हो रही थी अशरफुल मखलूकात के नाते, हम समझते हैं अपने आप को हम अशरफुल मखलूकात हैं, फलां हैं, ये है वो है, बड़ी बड़ी दावे करते हैं हम। अशरफुल मखलूकात हम किस तरह, मुझे करके दिखाएं कि हम किस तरह अशरफुल मखलूकात हैं। आप बात को बर्दाश्त नहीं करते, जेलस होते हैं आप अदर्स, एगो आपकी इतनी हाई है कि आप कहते हैं कि यही सारा कुछ है, बड़े अच्छे वो मैं आ जाता हूँ उसमें, लेकिन वो कॉलर्स जो है ना इतनी ज़्यादा होड़ते हैं, क्या करें।